एवरीवन, दिस इज शिवानी मिश्रा वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दैट इज एके एकेडमी। तो एके एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम बच्चों करेंगे दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डायग्राम है जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे डायग्राम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम होंगे, ठीक है? पूरे डायग्राम नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इनमें से कुछ न तो कुछ जरूर ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और रफ कॉपी में से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा आप देख सकते हैं, हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, यानी 4 नवंबर से क्लासेस चलेंगी एंड एडमिशन्स ओपन है, तो आप यहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम। तो यस, एडमिशन ओपन है। सो एडमिशन ओपन है, ये 22 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस 4 नवंबर से चलेंगी। एंड यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400+ लाइव सेशंस एंड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हैं। PYQ के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशन, क्लास PDF एंड गेस्ट पेपर। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिलेगी बेटा, तो इसको आप ज्वाइन करना ना भूलें। एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अक्टूबर 22 से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर हम देखें तो प्रॉपर क्लासेस हमारी कब से चलेगी, प्रॉपर क्लासेस चल रही है, 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है क्लासेस। तो आप इसको ज्वाइन करिए, हमारे क्रैश कोर्स को, 60 डेज की क्रैश कोर्स होने वाला है ये। एंड यस, यहाँ पे हमारी फैकल्टी है जो आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी एंड इंग्लिश की चलेगी। एंड यहाँ पे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो दैट आपको बैच के बारे में पूरी डिटेल एंड कैसे परचेज करना है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एंड यस, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले से आपको, दैट इज़ द AK अकेडमिक्स के नीचे है। सो यस, यहाँ पे अगर हम फी की बात करें तो फी कितना है बेटा, अभी 2500 इसका टोटल फी है, लेकिन ये अर्ली बर्ड ऑफर में आपको 999 में ये मिल जा रहा है, ठीक है? क्रैश कोर्स ये हमारा 999 में आपको मिल रहा है। तो देरी किस बात की, इसको ज्वाइन करें एंड यस, फिर अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। आगे हम देख लेते हैं बेटा, आगे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, जैसा मैंने डिस्कस किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपको बोर्ड एग्जाम देने के पहले ये सारी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो यस, देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं एंड इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। यहाँ से डायग्राम आते ही आते हैं और आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज द, ये जो यंग एंथर का डायग्राम बना है, यहाँ पे इसका इनलार्ज्ड व्यू है। एंड यस, ये तो उतना नहीं आ सकता मेच्योर डेसेंस एंथर का, लेकिन ये वाले जो है डायग्राम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इवन ये PYQ में आया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है PYQ में। वहाँ पे क्या है, इसकी लेबलिंग को हटा दिया गया और आपसे पूछा गया है इसकी लेबलिंग के बारे में। तो ये जितनी भी लेबलिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस लेबलिंग को आपको ध्यान रखना है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड यस, यहाँ पे माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टैपिटम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी ही करनी है। ये यहाँ से PYQ आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, तो इसको आपको प्रिपेयर करना ही है, ठीक है? सो यस, अगर यहाँ पे देखा जाए कि किस तरीके का PYQ आया है, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, हाँ ऐसा PYQ आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो ABCDE। तो यस, यानी कि ये जो लेबलिंग है आप देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा से पूछे जा सकते हैं। ओके, ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट डायग्राम। आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है इसको आप याद रख सकते हो, ये भी ध्यान में रख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिस्टिल को दिखा रहा है ये, हिबिस्कस दैट शोइंग द पिस्टिल। एंड यस यहाँ पे बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। एंड यस सी वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दिस इज द ये वाला जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है बेटा यहाँ पे, जैसे आया था एंथर का डायग्राम, एंथर में क्या किया गया था, लेबलिंग को हटा दिया गया, और यहाँ से भी उस तरीके का ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो इसको आपको प्रिपेयर ही करना है, सारी लेबलिंग को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ओके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल का डायग्राम है इसको आप अच्छे से करिएगा, इसके लेबलिंग को अच्छे से याद रखना है। यहाँ से लेबलिंग हटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और अगर आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। तो आपको प्रिपेयर करना है इसको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखेंगे द पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगा स्पोर मदर सेल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, डायार्ड फॉर्म हो रहा है, टेट्राड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डायार्ड टेट्राड। एंड यस यहाँ पे देखिए बी वाला सेक्शन दैट इज 2, 4 एंड 8 न्यूक्लियट स्टेजेस यहाँ पे बताई गई है, एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो ये जितने भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या है ये, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, चैलेजल एंड एंटीपोडस, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग है, सिनर्जिट्स है, फिलिफॉर्म अपैरेटस है। तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, राइट। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इससे जाइगोट बन रहा है, फिर यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा है, एंड यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो यस ये भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप देखो यस तो यहाँ पे देखेंगे ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो है ये डाइकॉट का बना हुआ है और ये मोनोकॉट का है, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट का भी आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट, कॉटिलेडंस, ल्यूमेल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। एंड यहाँ पे आप देखोगे स्क्यूटिलम, तो ये किस में है, मोनोकॉट में है, मोनोकॉट। तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा ही गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्किप करना ही नहीं है, इसको भी करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एंड दिस सेक्शन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है। एंड यस पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और लेबलिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। सो यस ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी तो इसके बिल्कुल नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्म एंड यहाँ पे बना है दैट इज द ओवरी, स्पर्म एंड ओवरी में अगर आप देखोगे सो हेड रीजन, नेक रीजन, टेल रीजन, हेड रीजन, नेक रीजन, टेल रीजन, यहाँ पे बीच में होता है मिडिल पीस। एंड यस जो ओवरी है, ओवरी को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। एंड यस यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन। तो ये सारी चीजें आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आता है नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड यहाँ पे आता है नेक्स्ट वन इज द ओजेनेसिस, ये जो गैमेटोजेनेसिस है वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेटोजेनेसिस। तो आप
को यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे बनाने को पूछा जा सकता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाओ, ओजेनेसिस को बताओ। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, एंड इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। एंड ये जो चार्ट बनाए इसको आप बना सकते हो, और ये बनाने को भी आ सकता है, एंड अगर पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाओ तो वहाँ पे आप इसको बना सकते हो, सो दैट आपकी कॉपी थोड़ा सा अच्छी लगे दिखने में, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी लगे। एंड यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, सो यस, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है जो ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, इतना आपको कॉम्प्लेक्स बनाने को नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि जैसे डायग्राम आपको दे दिया गया है तो यहाँ से लेबलिंग हटा दी गई। मान लो ये फेजेस के बारे में पूछ लिया, ये मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, ये फेजेस के बारे में पूछ लिया, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कितने फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड गेस यहाँ पे हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है, केस वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ से। ठीक है, तो कैसे फॉर्म हो सकते हैं, केस केस वाले, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकते हैं, राइट। सो यस, अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जायगोट फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन होता है, दैट इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन जिसको क्लीवेज कहा जाता है, और फिर वहाँ पे टू सेल स्टेज, ये सारे स्टेजेस आती हैं। तो यस, ये जो कुछ स्टेजेस के बारे में देख लीजिएगा ध्यान से, एंड यस यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आपसे पूछा नहीं जा सकता, बट लेबलिंग यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, मोरेला, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सर्जिकल मेथड में ये जो डायग्राम बने हैं इसको भी आपको याद करना है, सर्जिकल मेथड में जैसे कि वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, पास रिफरेंस, टाइट आउट एंड कट, एंड यहाँ पे है फेलोपियन ट्यूब, टाइट एंड कट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये टेस्ट क्रॉस का है, तो इसको भी एक तरीके से आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, लेकिन टेस्ट क्रॉस का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस से, सो टेस्ट क्रॉस के लिए आपको प्रिपेयर करना ही है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, सो टेस्ट क्रॉस किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस आपको स्किप करना ही नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मिराबिलिस जैल्पा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ पे रेड वाइट, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मान लो कुछ इसने गायब कर दिया एफ वन जनरेशन में, तो यहाँ पे एफ वन जनरेशन में अगर गायब कर दिया मान लो कुछ इस तरीके से, कैपिटल आर कैपिटल आर, और यहाँ पे लिख दिया दैट इज द स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ से फॉर्म होगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हमें पता है ये फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे बोल दिया ए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि ये ए क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, वैसे सिंपल क्रॉस है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जो कि क्या देता है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, दैट इज पिंक कलर। एंड रेशियो, रेशियो भी आप याद रख सकते हो, रेशियो फिनोटिपिक रेशियो क्या है एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। एंड यस, ये जो ब्लड ग्रुप का है, यहाँ पे ये जो टेबल बनी है एनसीईआरटी में, अगेन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान रखना है इस टेबल को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस,
टाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को रेशियो वगैरह अच्छे से आपको याद रखना है, रेशियो तो टिप पर होना चाहिए। अगर आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, देने जा रहे हो, तो यस रेशियो जितने भी है उसको अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम देखें तो यस ये आप देख सकते हो हर्शी चीज एक्सपेरिमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हर्शी चीज एक्सपेरिमेंट। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट। एंड यहाँ पे देखिए, दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको भी आपको कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ये भी प्रिपेयर करना है। एंड यस ये आता है द लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का जो डायग्राम है, दिस एंड दिस जो लैक ओपेरॉन में बना हुआ है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इसको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ लिया, चैप्टर दैट इज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये चैप्टर काफी बड़ा है, वहां से कुछ सेलेक्टेड डायग्राम है। अगेन आई एम सेइंग कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम का हमने सेशन देख रहे हैं, ना कि ये पूरा डायग्राम नहीं देख रहे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इवोल्यूशन में आप इसको भी देख सकते हो, दैट इज द मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये डायग्राम उतना नहीं, बस यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हो, गैसेस वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। सो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में। एंड यस यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आप बात करोगे दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या है ये आप देखिए, दैट इज यहाँ पे क्या कुछ स्टेजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ यहाँ पे आपसे स्टेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टेजेस हैं, स्पोरोजॉइट्स एंड ये सब चीज़ें आपसे कुछ पूछी जा सकती है। आप इसको थोड़ा, इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, ये ऐसे साइकिल आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन स्टेज आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना है। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीजन बाइंडिंग साइट, हैवी चेन, लाइट चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यस एंटीबॉडी का डायग्राम तो याद करना ही करना है, एंटीबॉडी को स्किप नहीं करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें बॉन्ड वगैरह सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें देखते हैं कौन सा डायग्राम है जो आपको याद रखना है, जो आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम के लिए। सो यस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे दैट इज द अटिपिकल एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ DNA फ्रैगमेंट। तो इसको भी आप एक बार इसको देख कर जाओगे एग्जाम में, DNA बैंड्स, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बताता है, ये बता रहा है दैट शोइंग द अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स। एंड यस दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ये का जो डायग्राम है इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्या है, प्लाज्मिड का डायग्राम है, ठीक है, ये प्लाज्मिड आपको याद ही रखना है। प्लाज्मिड क्या है, दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर। एंड यस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको प्रिपेयर करना है। बैम H1 साइट सेल 1 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। सो यस ये क्या है, दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर। एंड यस इसका नेम आपको याद रखना है PBR322, ठीक है, PBR322 प्लाज्मिड, यानी कि दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, यस
बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, इसमें कौन सा डायग्राम इम्पॉर्टेंट है? दैट इज़ द इंसुलिन का। इंसुलिन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ये वाला जो डायग्राम, इट्स अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रिपेयर करना है। प्रो इंसुलिन पेप्टाइड, फिर इंसुलिन बी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड, तो ये डायग्राम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना है। दैट इज़ कहाँ, कौन से चैप्टर से? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से ये इंसुलिन वाला डायग्राम आपको रेडी करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या करना है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये वाला जो डायग्राम बना, ये वाली जो ग्राफ बनी है, ये भी आपको याद करके जाना है। यस, ग्रोथ कर्व, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एंड यस, ये वाला जो पूरा ग्रोथ कर्व का डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है। डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, ए बी, सो यस, ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, यस, ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का ये एनसीईआरटी का टेबल है, इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से, प्लस प्लस क्या है, क्या बता रहे, प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस क्या है, ठीक है, माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे, प्लस प्लस यानी कि म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, माइनस माइनस है, प्लस माइनस प्रेडेशन है, प्लस जीरो क्या है, दैट इज़ द कमेंसलिज्म एंड प्लस माइनस पैरासिटिज्म एंड यहाँ पे आता है दैट इज़ माइनस और जीरो, जिसे क्या कहते हैं, एमेंसेलिज्म कहते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद करके जाना ही जाना है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड यस कमेंसेलिज्म, अमेंसेलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से अगर आप देखो तो यस, ये वाला जो है इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इकोसिस्टम से वो आप याद रख सकते हो। सो यस, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इस पिरामिड के बारे में बता सकते हो इकोसिस्टम से। एंड यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आता है ये वाला ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस ग्राफ को आपको प्रिपेयर करना ही है। दैट इज़ शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को बता रहा है ये ग्राफ। सो यस, ये ग्राफ आपको याद करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, समझना है। सो यस, इसको आपको स्किप नहीं करना है, दैट इज फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यस बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से कौन से डायग्राम आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से लेबलिंग आपको करने को आ सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लो चार्ट वगैरह, जैसे कि हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस के बारे में। एंड यस बच्चों, जैसे इकोलॉजी का जो टॉपिक है या यूनिट है, वहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब को आपको प्रिपेयर करके ही जाना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड यस, जब जैसे बायोलॉजी क्या है, इट्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप कॉपी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप डायग्राम बनाने बैठ रहे हो तो पूरे टाइम डायग्राम ही बना रहे हो, पेन से बना रहे हो सुंदर सुंदर, ऐसा नहीं है। आप पेंसिल से भी डायग्राम बनाइए, बस वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। लेबलिंग एक तरफ होनी चाहिए सो दैट वो एग्जामिनर को देखने में सही लगे, और प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे बायोलॉजी में। आप अच्छे से इसको पॉइंट वाइज लिखिए एंड
जो जो भी डायग्राम है उसको क्लीन एंड नीट बनाएंगे, लेबलिंग सही से करोगे, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिलेगा। सो यस एवरीवन, जितने भी आपको बताए गए डायग्राम उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एंड यस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। सो यस एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।